हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जो हमने इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के करने हैं, राइट? तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हमारे बच गए। हमने एनसीईआरटी आपके लिए ओपन कर दी है, तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं पेज 47 पे, राइट? ये पहले इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर केनाल रेज। तो केनाल रेज क्या होती हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होती हैं, मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड emitted by anode, emitted from कौन सा electrode? Anode, ठीक है। दूसरा question कहता है, अगर एक atom के पास एक electron है और एक neutron है, तो what will be the, will it carry any charge or not? No charge. Sir, क्यों? और न्यूट्रल। सर क्यों? बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज सेम मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड, बट साइन ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट साइन। सर क्या मतलब? अगर बेटा मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? यही वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बट साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर किसी भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। इनफैक्ट आपको हमने बताया था सारे एटम्स जो हैं बेटा, किसी का भी अगर आप एटम लोगे, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। ये बेटा आयंस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं होते, जिनकी वजह से उनके ऊपर क्या आते हैं? चार्जेस आते हैं। कॉपी कर लीजिए। तो पेज 49 पे हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चंस का। कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एक्सप्लेन हाउ एन एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। क्यों भाई? Because number of electrons are equal to number of protons. Kata, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus? Us time par sirf protons discover hue the. So according to Rutherford, only protons were present. ठीक है? But later, पता लगा, we came to know neutrons जो है वो भी present होते हैं nucleus के अंदर। Third कहते हैं, draw a sketch of Bohr's model of an atom with three shells। तो बेटा ये हो गया nucleus, ये हो गया बेटा पहला shell, ये हो गया दूसरा shell,
और ये हो गया तीसरा शेल, ठीक है। तो आप इनको मार्क कर सकते हैं एज के एल एम या फिर 1, 2, 3। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताए तो हम उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्वेशन अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। तो उस केस में रीजन क्या होता, भाई रीजन फॉर चूजिंग गोल्ड, रीजन फॉर चूजिंग गोल्ड वॉज दैट इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है, बट एनी अदर मेटल वुड हैव डेंसिटी लेस देन गोल्ड, देयरफोर अल्फा पार्टिकल्स would completely pass through without any deflection। तो सारे ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पास थ्रू कर जाते बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो कॉपी कर लीजिए सेम पेज, पेज नंबर 49 पर हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कहते हैं हीलियम एटम के पास एटॉमिक मास 4U है और 2 प्रोटॉन्स है इन इस न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो बेटा हीलियम का मास कितना हो गया 4, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2, प्रोटॉन्स कितने होते हैं 2, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 4 माइनस 2 कितने हो गए 2 न्यूट्रॉन्स। कर लो कॉपी। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 पे हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2.4। एंड सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, क्या होगी बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, कौन बताएगा? 8 and 3, 8, 2, 1। कहते हैं किसी एलिमेंट के लिए के और शेल एक एटम के फुल हैं, तो व्हाट विड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एंड एल। के में मैक्सिमम कितने आते हैं 2, एल में कितने आते हैं मैक्सिमम 8, तो उसके पास टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कर लो कॉपी। तो पेज 51 है कि 2A, आई गेस 51, इस पे हमारे पास क्वेश्चन है। कहता हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2.8.7। अब सिंस ये नॉन मेटल है तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितनी आ गई इसकी वैलेंसी 1। सल्फर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 16, 2
8, 6। तो इसकी भी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, क्योंकि ये भी क्या है बेटा, नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8, 2, तो ये मेटल हो गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। This question, if number of electrons in an atom is 8, तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, and protons जो हैं वो भी कितने हैं, 8, then what is the atomic number? तो ऐसे केस में इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर हो गया, कितना हो गया, 8, and what will be the charge? तो बेटा इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या आएगा, 0, या फिर क्या आएगा, न्यूट्रल। सर क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, इस वजह से। सेकंड कहता है, विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा, 8, एंड न्यूट्रॉन्स भी बेटा कितने होते हैं, 8, तो इसीलिए इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो बेटा कितना आ गया, 60। सल्फर के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 16, एंड न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं बेटा, 16, तो सल्फर का ए मतलब मास नंबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जो बेटा कितना आ गया, 32। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है पेज 53 पे, हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी का। कहते हैं, फॉर द सिंबल HDT टैबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो बेटा प्रोटियम को 1H1 लिखते हैं, ड्यूटेरियम को 2H1 लिखते हैं, ट्रिटियम को 3H1 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने हैं, इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, प्रोटॉन भी इसके अंदर एक है, एक है, एक है। न्यूट्रॉन कोई बताएगा कि प्रोटियम में कितने होते हैं, 0, क्योंकि बेटा हम 1-1 कर रहे हैं, 2-1 करेंगे तो 1 और 3-1 करेंगे तो 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स। तो अगर मैं आइसोटोप्स लेता हूं तो उसमें मैं बेस्ट एग्जांपल कौन ले रहा हूं, कार्बन, C12-6 और C14-6, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, सेम, बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर्स। अब मैं ले रहा हूं एक पेयर ऑफ आइसोबार, कैल्शियम 40-20, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2-8-8-2। और दूसरा है आर्गन 40-18, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2-8-8। तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे इंटेक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाते हैं, और अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इट सेज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले तो मैं यहीं पे बात कर देता हूं इनके चार्ज की।
तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +1, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 0। फिर हम बात करते हैं इनके मास की। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो कैलकुलेशन में ये मास होता है 9.1 इंटू 10^-31 केजी। इसका मास देखें तो 1.67 इंटू 10^-27 केजी, और यही सेम मास न्यूट्रॉन का भी होता है, सेम वैल्यू। इसका एक और मास होता है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मास। इनका एक और मास होता है रिलेटिव मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो 1840 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के। इसका मास कितना होता है 1, और इसका मास कितना होता है 1। और अब हम बात करेंगे इनके सिंबल की। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने यहां पे कर लिया बेटा, तीन हमने, है ना, 1, 2, 3 और 4 हमने प्रॉपर्टीज देखी। ये हो गई एक प्रॉपर्टी, ये हो गई दो प्रॉपर्टी, ये हो गई तीन प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे.जे. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? तो बेटा हम इसके क्वेश्चन की यहां पे बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल द पॉजिटिवली चार्ज, ये पहला ड्रॉबैक हो गया, द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन वॉज कंसिडर्ड द एंटायर स्फेयर। मतलब उन्होंने तो पूरे स्फेयर को ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन माना था, जो गलत था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड, इन प्रोटॉन्स, दैट इज दे कैन नॉट मूव। ये गलत था बेटा। और तीसरा ड्रॉबैक था, नो डिटेल अबाउट न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था, राइट? देन थर्ड क्वेश्चन कहते, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो अगर आपको याद हो, हमने वैसे नोट्स में लिखा हुआ है इसका आंसर, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आगे पीछे सर्कुलर पाथ्स में घूमता है। लेकिन अगर ऐसा सही है तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। एंड अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा और वो न्यूक्लियस के पास आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और एटम जो है वो क्या हो जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था कि उनका बनाया हुआ एटम का मॉडल
जो था वो क्या था, अनस्टेबल था। इस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल ड्रॉबैक उसका बन गया एंड इस वजह से हमें नया मॉडल चूज करना पड़ा, राइट, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये कहता है डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। कहता है कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो सिक्स क्वेश्चन के हमारे पास तीन रूल्स थे, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला रूल क्या था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला, क्या था बेटा, टू एन स्क्वेर वेयर एन इज द शेल। दैट इज एन की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रूल नंबर बी क्या था, किसी को याद नहीं रूल्स, लास्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये था सेकेंड रूल। और लास्ट रूल क्या था, So we first have to complete the inner shells, only then we can go to the outer ones. वेरी गुड, लास्ट रूल था विदाउट फुली फिलिंग द फर्स्ट और प्रीवियस शेल वी कैन नॉट प्लेस इलेक्ट्रॉन इन नेक्स्ट शेल। जब तक पहले के शेल्स पूरे नहीं भरेंगे तब तक हम आगे के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस नहीं कर सकते। तो आप कॉपी कर लीजिए ये सारे, तो ये सब हम हटा देते हैं और हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं डिफाइन वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, इट इज, माइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वेरी गुड, दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और भी कोई डेफिनेशन है बेटा इसकी, नंबर नो, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन और शेयर और बाय एन एलिमेंट। गेन, वेरी गुड, और शेयर बाय एन एलिमेंट। ठीक है, कहते हैं डिफाइन द वैलेंसी टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन।
अब वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स कैसे निकालते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल्स, इनफैक्ट वन इज अ सेमी मेटल अदर इज अ नॉन मेटल. तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 14. कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 284. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 4 जो क्या हो गया 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, शेयर करेगा. ऐसे ही ऑक्सीजन ओ एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 8, कॉन्फिगरेशन आ गई 2.6, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा. तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन. कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर. तो ये टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं. बाय डेफिनेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, राइट. मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिन दोनों को हम कलेक्टिवली बेटा क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम. कहते हैं डिफाइन आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स बट सेम एटॉमिक नंबर्स. डिफाइन आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. एंड देन इट सेज गिव टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. तो हमने याद है यूजेस लिखे थे, पहला isotope of carbon, C14 is used for carbon dating to find the age of fossils. Second tha, isotope of uranium is used to generate electricity in nuclear power plants. Teesra tha, isotope of cobalt is used in treatment of cancer. And fourth likha tha, isotope of iodine is used in treatment of goiter. Ninth कहते हैं Na positive has completely filled K and L shell. Explain. बेटा Na क्या होता है, 2.8.1. जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये क्या बन जाता है, Na positive and configuration is 2.8. तो K में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, L में 8 हो गए, M के अंदर 1 हो गया. यहां पे K और L both are filled. ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, ये क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. अगर एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 3 है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट.
तो बेटा कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 2.1। सिंस इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेटल्स, और मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। एंड ये एलिमेंट कौन सा है, लिथियम। 13th क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देर आर टू एलिमेंट्स एक्स और वाई, दोनों के प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आपको दे रखे हैं, गिव द मास नंबर्स। तो बेटा मास नंबर्स कैसे निकालेंगे भाई इनके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वेरी गुड, मास नंबर ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे बेटा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो बेटा ये कितना आ गया, 12, और ये कितना आ गया, 6 प्लस ये कितना आ गया बेटा, 14, राइट। कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो बेटा अगर x हो गया 12 एंड 6 और y हो गया बेटा 14 एंड 6, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज, इनके पास सेम क्या है, एटॉमिक नंबर। तो सिंस दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, देयरफॉर ये बेटा कौन हो गए, आइसोटोप्स। क्या मुझे कोई बता सकता है ये किस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के, ट्रू। कर लीजिए बेटा कॉपी, आगे देखते हैं। Fourteenth question. कहते for the following statement, write true and false. J.J. Thomson proposed के nucleus atom के पास इसके अंदर सिर्फ nucleons होते हैं। ये जे जे थॉम्सन ने बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये सही है कि गलत है, फॉल्स। फॉल्स है बेटा, उस टाइम तो न्यूक्लियस डिस्कवर ही नहीं किया था उन्होंने। कहता एक न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टूगेदर, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। नो सर, बेटा ये सही है, हो सकता है कि आपका कोई स्कूल टीचर इसको शायद बोले नहीं, पर बेटा ये सही है। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है और चार्ज क्या होता है, -1, प्रोटॉन का मास 1 होता है और चार्ज क्या होता है, +1। आप इसके 1 और 0 को ऐड कर दो तो बेटा कितना आ जाता है, 1, और इनके एटॉमिक चार्जेस को ऐड करो तो बेटा कितना आ जाता है, 0, और ये क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन। तो ये काफी हद तक सही है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन कर दे तो बेटा न्यूट्रॉन बनता है, ये रेडियो एक्टिविटी कहते हैं कॉन्सेप्ट को। कहता है एक मास इलेक्ट्रॉन का इज 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी सही है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स छोटा होता है। कहता है एन आइसोटोप आयोडीन का इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, यस सर। बेटा
आइसोटोप आयोडीन का इस्तेमाल नहीं होता, आयोडीन इस्तेमाल होती है, तो ये गलत है। समझ में आया बेटा? इट इज आयोडीन इज सिंपली यूज्ड, आयोडीन इज सिंपली यूज्ड। अब इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, जब उन्होंने वर्ड आइसोटोप यूज किया है तो वो किसी भी फॉर्म ऑफ आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो बेटा इसको कुछ टीचर्स जो है वो सही भी करा देंगे। यस, तो अब ये आपके टीचर के कंटेंट पे डिपेंड करता है, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। बट जो नॉर्मल, जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं ना बेटा, हमारे पास जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 6 है, अब टीचर्स जो है इनको आइसोटोप्स ले रही है। अब वो सही है कि इनके आइसोटोप्स होते हैं। अब ये नॉर्मल कार्बन है और ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, इस्तेमाल इसका होता है, ये तो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड में आता है, तो यहां पे हो सकता है कि वो टीचर कहे कि भाई इट इज ट्रू। वो इसलिए कह रही है क्योंकि जो नॉर्मल आयोडीन है, यस इट इज यूज टू मेक टिंचर ऑफ आयोडीन, लेकिन जब हम वर्ड आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं तो हम बात करते हैं उसकी रेडियो एक्टिविटी की, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये गलत है। तो अगर आपकी टीचर जो भी बोलेगी, आपको आंसर उस हिसाब से ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि यहां पे भी इश्यू आएगा। शायद हो सकता है कि आपकी टीचर बोले कि ये फॉल्स है, पर ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है, तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं। अब इसका आंसर फाइनल आपकी टीचर डिसाइड करेगी, मैंने आपको दोनों के रीजंस जो है वो लॉजिक रीजन जो है वो बता दिए। 15th क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल किस चीज के बारे में, क्या डिस्कवर किया था उसने? रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस। कहता आइसोटोप्स एलिमेंट के जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं कि उनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं, क्या खास बात होती है आइसोटोप्स की? उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तभी तो उनके मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स। The number of valence electrons Cl minus ion के अंदर कितने बेटा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो बेटा कॉन्फिगरेशन क्या आ जाती है 2, 8, 7। अब ये बताओ कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2, 8, 8, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। कॉपी कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की, तो क्या आंसर है भाई? 2, 8, 1। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 2, 8, 1। वेरी नाइस क्वेश्चन। 19th, फॉलोइंग
डिटेल्स दे रखी हैं, आपको टेबल कंप्लीट करना है। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, और उसके अंदर अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो बताओ उसके प्रोटॉन्स कितने होंगे। क्योंकि बाय डेफिनेशन एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स के बराबर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, लेकिन किसके अंदर, एटम के अंदर। तो इसके प्रोटॉन्स भी 9 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 है, तो मास क्या हो जाएगा, मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। मास नंबर 19 इन दोनों के बराबर होता है, तो कितना हो गया 19। तो नेम दी एटॉमिक स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 9 कौन से एलिमेंट का होता है? फ्लोरीन। वेरी गुड, फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन। ऐसे ही बेटा एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है, अगर 16 उसका एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, 16। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 16। वेरी गुड, 16। देन है बेटा एक एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, अगर प्रोटॉन्स 12 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12। तो मास 24 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। वेरी गुड, कौन सा एलिमेंट है ये, मैग्नीशियम। वेरी गुड, एक एलिमेंट है जिसके प्रोटॉन्स 1 है, अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 1। क्योंकि उसका मास नंबर 2 है ना। कौन सा एलिमेंट है ये, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एलिमेंट का मास नंबर 1 है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन 1 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 0। अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं तो कौन होगा वो, हाइड्रोजन आयन। वेरी गुड, वो होगा हाइड्रोजन आयन। जो बेटा क्या होगा, एच पॉजिटिव। और ये वाला जो है बेटा वो कौन है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, क्योंकि इसका मास नंबर 2 दे रखा है ना, इस वजह से ये क्या होगा, एच पॉजिटिव होगा। तो दिस इज समथिंग रियली वेरी नाइस, आप कॉपी कर सकते हैं टेबल। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, इनफैक्ट ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी, तो हमने बाकी सारे लेक्चर्स इसके अपलोड कर दिए हैं, ये लेक्चर भी आपके पास बड़ी जल्दी अपलोड में आ जाएगा। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पढ़ के सुन के अच्छा लगा, समझ में आया। तो अगर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकें, अपनी स्टडीज को और ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग बना सकें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है किसी भी चैप्टर टॉपिक क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे ज़रूर लिख सकते हैं, मेरा नंबर थंबनेल पे फ्लैश होता है, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे सॉल्व करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे कोई लेक्चर भी बनाना पड़े उसके लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट, जिससे आपको अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, क्योंकि बड़ी क्लासेस के लेक्चर्स भी हमारे पास सारे अपलोडेड हैं, तो आपको अगले साल भी ये बेनिफिट दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर लेक्चर आर वीडियो, एंड हम मिलेंगे बहुत जल्दी। टेक केयर
and bye-bye from School of Science.